शहर की सभी गतिविधियाँ जानने के लिए छोटी बड़ी आप वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होली है तो ऐसे में बाजार पूरी तरह से होली के रंगों में सज चुके हैं। सभी लोग रंगों की खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे पिचकारी और रंग खरीद रहे हैं। बाजारों में रौनक है, लेकिन होली के दिन कई शरारती तत्व हुड़दंगबाजी करते हैं, तो ऐसे में उन पर पैनी नजर रखने के लिए पानीपत पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। पानीपत के SP ने इसको लेकर प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हर साल की भांति इस साल भी होली व फाग का त्यौहार पूरे भारत वर्ष में 7 व 8 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 मार्च को फाग के दिन ये सिलसिला पूरे दिन चलेगा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व छोटे मोटे झगड़े को बड़ा रूप दे देते हैं। ऐसी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस की ओर से होली व फाग के पर्व पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। होली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है सभी से कि होली जो है दूसरों और अपने मर्यादा में रह के मनाएं और कानून के दायरे में रह के मनाएं। और हमने जो है हमारी रोड पर डिप्लॉयमेंट रहेगी, जिससे कोई हुड़दंगबाजी कर रहा है तो उसे हम समय से काबू कर सके और आम जनता को परेशानी ना हो। धन्यवाद। इसको लेकर सर कोई टीम अभी लगाई जाएगी शहर में भी कोई इस प्रकार की कोई? बिल्कुल, हर जगह हर थाने में हर जगह टीम रहेगी, बाजारों में, मार्केट पे, रोड पे, हाईवे पे। तो होली तो आप लोग के लिए होती है, हमारे लिए तो ड्यूटी होती है, तो ठीक है उस दिन हम ड्यूटी पे रहेंगे, जिससे कि आप लोग होली अच्छे से मना पाए। SP शशांक कुमार सावर ने होली के त्यौहार के मद्देनजर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्जों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में हुड़दंगबाजी करने वालों से सख्ती से निपटने के विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्येक थाने में 3 पैदल गश्त पार्टी बनाकर नियुक्त की गई है। पूरे जिले में 47 गश्त पार्टी क्षेत्र में पैदल गश्त करेंगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर जवानों को सादी वर्दी में भी तैनात किया गया है, जिनकी असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से नजर रहेगी। यातायात को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मुख्य चौक चौराहों पर विशेष पुलिस दस्ते तैनात रहेंगे। सभी PCR और राइडर को निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से जहां भी अव्यवस्था की सूचना प्राप्त होगी, तुरंत मौके पर जाकर स्थिति से निपटा जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वाले को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से महिला पुलिस दस्ता भी कार्रवाई की सूरत में रहेगा। बाइक के साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकालने वाली बाइक को तुरंत जब्त करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यूथ के लिए यही संदेश है कि यूथ के पास जो एनर्जी है वो अच्छे ढंग से उसको चैनलाइज करें, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी उसको यूज़ करें। कभी भी गलत तरीके की चीज़ों में, जैसे कि किसी भी प्रकार का नशा हो गया या किसी भी प्रकार की कुड़दंगबाजी हो गई या आवारापंती हो गई, उन सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय वो जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से अच्छे जगह पे अपने एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहीं DC सुशील सारवान ने भी जिला वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर युवाओं में हुड़दंगबाजी का क्रेज रहता है, उन्हें इससे बचना चाहिए। उन्होंने आम जन से पानी की बजाय सूखी होली खेलने का आह्वान किया है। सभी पानीपत वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही उनसे एक प्रार्थना भी है कि होली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं और किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाएं। बता दें कि DC सुशील सारवान ने होली के त्यौहार के दृष्टिगत आम जन में कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं। साथ ही जिला वासियों को SP और DC की तरफ से होली की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। होली का पर्व एक अपने आप में ही बहुत प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का पर्व है। इस पर्व को हमें बड़े इत्मीनान से मनाना चाहिए। केमिकल युक्त मैं ये कहूँगा, सबसे अपील करूँगा कि आप केमिकल रंगों का, गुलाल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपको एलर्जी, तमाम बीमारियों का खतरा है। आप सूखी होली खेलें और बहुत अच्छी होली खेलें। एक और बात, अगर कोई आपसे कोई गलती हुई है, कोई वैर भाव किसी से है, तो ये दिन आपको मिलन का दिन है। आप अपने वैर भाव भूलकर एक दूसरे को आप बधाई दीजिए और त्यौहार
एक उत्सव होता है और पूरी खुशी से हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।